नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और जेपीएससी की तैयारी कैसे करें इस पर खास वीडियो आपको बताएंगे। हमारे पीछे शुगर केन कल्टीवेशन भी समझाएंगे और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी बताएंगे कि साउथ इंडिया क्यों शिफ्ट हो जा रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सारी शुगर केन कल्टीवेशन की इंडस्ट्री, इस पर बात करेंगे। खास तौर पर रेटनिंग प्रोसेस क्या होता है, लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जेपीएससी की तो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ करके कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि 80 से ज्यादा बच्चों का चयन हमारे मार्गदर्शन में छठी जेपीएससी में हुआ है। सबसे बड़ा सवाल पीटी, मेंस और इंटरव्यू, तीन चरण में जो परीक्षा होती है इसमें कौन सा विषय लिया जाए, रीजनल लैंग्वेज क्या होगा, किस प्रकार की एज फैक्टर होगी, इस पर भी बात करेंगे कि एज क्या होगा इस बार जब फॉर्म आएगा उसमें, और कितना अटेम्प्ट मिलेगा, क्या कट ऑफ होगा, और लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था इस पर भी बात करेंगे। टॉपर्स को क्या नंबर आया था, 722 नंबर टॉपर्स का आया था सुमन गुप्ता को, और दो नंबर पर 707 नंबर था अशोक कुमार भारती का, प्रदीप प्रणव का 696 नंबर था। तो हम लगातार आपको नंबर और मार्किंग बताते जा रहे हैं कि क्या कुछ आपके प्रिपरेशन में काम आएगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं कि जेपीएससी में पहले पीटी की तैयारी करनी चाहिए या पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए, तो ये बातचीत भी करेंगे आपके साथ में। और ये बता दें कि जेपीएससी की तैयारी में पहले आप शुरुआत करेंगे मेंस की, अगर आप मेंस की तैयारी कर लेते हैं तो पीटी अपने आप तैयार हो जाता है। 60-70% जो पीटी है ये आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आपको पहले तैयारी करना है मेंस का। अब मेंस में चार पेपर जनरल स्टडी का है और एक रीजनल पेपर है। तो रीजनल पेपर क्या लेना चाहिए, अभी तक हमने अपने वीडियो में बताया था कि कोई भी पेपर ले, लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें सबसे ज़्यादा हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा उसमें अंक जो है वो खोरथा और नागपुरी में इस बार आया है। तो इस दोनों में से कोई भी एक पेपर को आप चुन सकते हैं अपनी तैयारी के दृष्टिकोण से, तो उसमें आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि जो तैयारी होगी, जो पहला पेपर होगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, उसकी तैयारी में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको क्या चीज़ में देना है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि आप अपने आप को तैयार करें, और इसमें सबसे ज़्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर यूपीएससी पैटर्न पर चूंकि क्वेश्चन आएगा, तो आप यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, चार जनरल स्टडी की बुक कॉपी ले लेंगे, और अपना फोकस रखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन किस प्रकार का रहता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी क्वेश्चन पर आपको निर्णय लेना है। साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि जेपीएससी की तैयारी में आपको ये भी ध्यान देना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पेपर है उसमें रिसेंट जजमेंट को भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, और सुप्रीम कोर्ट का किसी भी मुद्दे पर किस प्रकार की उसके सुप्रीम कोर्ट कहना चाहती है, तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। इस वक्त में अगर आप देखेंगे तो सिविल सर्विस के दृष्टिकोण से देखिएगा तो 250 शब्द का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, जो जेपीएससी में 40 नंबर वाला 500 से 700 वर्ड में होता है। लेकिन फ्लो चार्ट बनाना मत भूलिए, एनालिसिस करना मत भूलिए, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जेपीएससी में। जेपीएससी का जो तीसरा पेपर है इसमें इकोनॉमिक्स आता है, और चौथा पेपर में अप्लाइड साइंस बोलते हैं, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज हमारे जीवन में यूज क्या है। लेकिन बार बार हम बोलेंगे कि सिविल सर्विस के क्वेश्चंस को आपको देखना है, क्योंकि उससे आपको पता चल पाएगा कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है परीक्षा में, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और ख़ास करके जो 6 जेपीएससी परीक्षा हो चुकी है इसके मेंस के पेपर को भी आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। और इसके साथ साथ जब आप जेपीएससी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान देना है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ में बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस के जो एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेंस का जो चार कॉपी आप बनाइएगा तो पहले पन्ने पर सिलेबस लगा दीजिए, और उसके बाद चैप्टर वाइज आप तैयारी शुरू करेंगे चैप्टर वाइज। ये सारा पेड़ जो है ना, ये अरहर का पेड़ है, अरहर दाल वाला जो होता है ये पेड़ उसी का है जो हमारे साथ आप देख रहे हैं इस वक्त में। तो एक नया आपके लिए शुरुआत किए हैं कि अलग अलग लोकेशन से आपको वीडियो भेजें, और स्टूडेंट्स और व्यूअर जो है काफ़ी पसंद भी करते हैं इस प्रकार के वीडियो को। तो हमारी ये कोशिश होती है, हम तो बिहार में हैं इस वक्त में, ऐसे मूल रूप से झारखंड में क्लासेस लेते हैं रांची और जमशेदपुर में,
लेकिन पटना में भी हमारा सेंटर ओपन हो रहा है, तो बिहार में इन दिनों है। जो बिहार क्षेत्र के व्यूअर हैं वो हमसे कंसल्ट कर रहे हैं लगातार अलग अलग क्षेत्र में, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। तो आगे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बड़ा सवाल होता है कि पहले पीटी की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या पहले मेंस का करना चाहिए। हमारा ये कहना है कि पहले मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि पीटी की तैयारी अगर कीजिएगा तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, फ्लेक्चुअल हो जाता है पीटी। मेंस जो है ये सीधा सीधी सब्जेक्टिव है, तो उस पर अगर फोकस रहिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं आपको कि आप मेंस की तैयारी से शुरुआत कर सकते हैं। और बिहार में अलग अलग जगह में ढेर सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे। हमारे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ये शेखपुरा क्षेत्र, बरबीघा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो यहाँ की सरकार ने टेक्निकल स्किल को डेवलप करने के लिए कई पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला है। झारखंड में भी हमको लगता है किसी तर्ज पर काम करना चाहिए यहाँ की सरकार को। अब देखते हैं कि झारखंड में कब काम तैयार होगा। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि मेंस की तैयारी में लेखन शैली, प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ये ज़रूर से कोशिश कीजिएगा कि 3-4 क्वेश्चन डेली लिखें, रेगुलर स्टडी करें। मतलब 2 ही घंटा पढ़ते हैं, 3 ही घंटा पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी में हो। ऐसा कभी भी नहीं हो कि आप तैयारी कर रहे हैं और करते करते अचानक से आप तैयारी करना छोड़ दिए, तो वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। ऐसे कंडीशन पर ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा आपके लिए। तो ये भी एक ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि आप तैयारी रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आमतौर पर करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो पुराने कैंडिडेट जो पास किए हैं, मतलब जो स्ट्रेटजी बनाए हैं अलग अलग, तो उनके साथ बातचीत करना, उन लोगों के साथ में। हमारे पास कई लोगों का हम फ़ोन नंबर अक्सर देते हैं अपने व्यूअर के लिए, तो आप उनसे बातचीत भी करिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि ये कैसे वो लोग स्ट्रेटजी बनाए थे। प्लेलिस्ट में भी जा करके आप देखेंगे तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जेपीएससी में, क्योंकि जेपीएससी एग्ज़ाम में क्या है कि कुछ मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव की अच्छा से तैयारी कर लेते हैं तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा स्कोर होगा, ज़्यादा लाभ भी होगा। तो आप, इसलिए हमारा सलाह होगा कि आप उसकी तैयारी ज़रूर से कर लीजिएगा। और अगर ये तैयारी आप करते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपको। और साथ में ये बताना चाहेंगे आपको कि लेखन शैली के साथ साथ मैपिंग, मतलब आप वर्ल्ड का मैप या जो इंडिया का मैप होता है, वर्ल्ड का मैप या फिर जो इंडिया का मैप होता है, तो उस पर भी आप तैयारी साथ में करेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो किसी भी प्रकार का। तो ये भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब आपको हम ये बता दें कि 4 पेपर के अलावा जो है आपको दूसरा ध्यान ये देना है कि रीजनल लैंग्वेज में किस चीज़ की तैयारी करना ज़्यादा सही होगा, ये एक सवाल है। खोरथा का फिलहाल रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, 122-123 नंबर तक आए हैं 150 में। तो जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो खोरथा भी ले सकते हैं, इजी पेपर है, और नागपुरी, ये 2 का चूँकि रिजल्ट ज़्यादा अच्छा हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे आप लाभ उठाइएगा। अब सवाल उठता है कि पीटी के लिए क्या करें, क्योंकि झारखंड के ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि झारखंड कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, उनको समझ में नहीं आता। तो हम उसको उपाय बता दे रहे हैं कि झारखंड पढ़ने के लिए आपको क्या करना है। हमारे वेबसाइट पर जाइए vinayiasacademy.com, और टेलीग्राम चैनल भी हमारा vinayiasacademy.com के नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिए तो दोनों लाभ आपको मिलने लगेगा। और आपको मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलने लगेगा, फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। जो लोग स्टडी मटेरियल मंगाना चाहेंगे पूरा, तो सिर्फ उन्हीं का चार्ज लगता है, ये भी ध्यान रखना है। तो पीटी में फ्लेक्चुअल है, झारखंड वाली चीज़ जो है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी देखिएगा और तैयारी करते रहिएगा। इंटरव्यू वाली हम पूरी वीडियो डाल दिए हैं तो उसको भी देखिएगा, तो आपको इसमें लाभ नज़र आएगा कि उसमें क्या लाभ आपको हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो मोटा मोटी सोचिएगा तो
प्रीवियस 5 साल 7 साल के सिविल सर्विस के पैटर्न को देख लेंगे तो आता है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे आपसे कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो शुगर केन इंडस्ट्री नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया क्यों शिफ्ट हो गया, इसके कौन कौन से कारण हैं, तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा डील करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो तो लगातार देख रहे हैं, हमारे सामने गन्ना का खेत है, थोड़ा सा गन्ना का आनंद लेते हैं। तब तक आप लोग हमारी दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और फिर आपके साथ में जुड़ेंगे लगातार इसी प्रकार से। और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।